चलो 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 मशी पे चलो 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 मशी पे चलो। मेरे पास माइक नहीं है, ये वायरलेस माइक से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि ऑडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो प्रॉपरली आप लोग सुन सकें। पिछला जो मैंने व्लॉग किया था उसमें बिल्कुल जनरल माइक था, और आपको अगर आपने वीडियो देखे तो यू माइट नो कि कितना शोर था बैकग्राउंड में। होपफुली दिस वर्क्स। आज के इस व्लॉग में आई ट्राई एंड शो यू कि हम अपने मौके में क्या कर रहे हैं। मकसद दिखाने का ये नहीं है कि कोई मैं ये दिखाऊं कि मैं कितनी खिदमत कर रहा हूं या हम लोग कितनी खिदमत कर रहे हैं। मकसद ये है कि यहाँ पर किस तरीके से, किस मकदार में और किस स्पीड से, और एक मौक़िब चलाने के लिए एटलीस्ट कितने बंदे चाहिए होते हैं, तो उससे शायद आपको बेहतर अंदाज़ा हो सके कि एक यहाँ पर लोगों की ओवरऑल कितनी तादाद है। और अगर आपको लग रहा है कि ये एक रोड है जहाँ से लोग गुज़र रहे हैं, तो वो रोड है जहाँ से लोग तेज़ी से गुजरना चाहें तो उधर से जाते हैं। लोगों की और ज़ायरीन की खिदमत असल में इस रोड पे हो रही है, और इस रोड पर ज़्यादा रश है। ऑल्दो कि वो एक हाईवे है और वो हाईवे इस टाइम पे लोगों से फुल है, मेन जो जगह जहाँ पे ज़ायरीन चलते हैं वो ये है। तो आज मैं कुछ क्लिपिंग्स रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर और किन किन तरीक़ों से यहाँ लोगों की खिदमत की जाती है। राइट नाउ दे हैव नो आइडिया कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि एक ने देख लिया, ये बंदा ईरान से आता है हर साल और यहाँ पे ये मौकिब लगाता है और ज़ायरीन के मसाज करता है। जो लोग पैदल चलते हैं यहाँ पे, पैदल चलने के बाद तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन में बंदा पहुँचता है तो लोग थक जाते हैं, तो यहाँ पे उसने डिफरेंट मशीनरीज रखी हैं, हाथ से मालिश करता है, मसाज करता है और ज़ायरीन की खिदमत करता है। अच्छा, ये हमारे सामने एक मौकिब है और ये ईरानियों का है, और ये लोग हमारी हर टाइम पे हेल्प करते हैं, चाहे चीज़ें तकसीम करने के लिए हों या किसी और तरह की, चाहे हमें इनका इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्ड हो, चाहे हमारा गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया हो, हमारे पास टमाटर ख़त्म हो गए हों, कोई भी चीज़ हो, पीने का पानी ये लोग हमें रोज़ाना प्रोवाइड करते हैं, रोज़ाना खाना भी ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली नाउ यू नो कि आज रात को हम क्या खाएँगे। ये मौकिब जो है ये एक बड़ा मौकिब कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इनके टमाटर काटने की जो टीम है वो कितनी बड़ी है। यहाँ पर और कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टमाटर काटा जा रहा है। उसी मौकिब का एक और यहाँ पर स्टेशन है, और यहाँ पर ईरानी चाय दी जाती है क्योंकि इराकी चाय थोड़ी स्ट्रांग होती है, और अगर ईरानी चाय से आप फेमिलियर हैं तो ईरानी जो है वो इस टाइप का कोई शुगर जो है वो यूज़ करते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। फाइनली अब हम बढ़ रहे हैं अपने मौकिब की तरफ, और वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बेसिकली एक बहुत मुख्तसर सा और छोटा सा सेटअप है। ऊपर ये बंदा जो है करंटली लाइव ट्रांसमिशन स्टार्ट होने वाली है इंडोनेशियन लैंग्वेज की। यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन ज़ायरीन आए हुए हैं, और यहाँ पे चाय पक रही है। यूजली यू इमेजिन के इराकी चाय नहीं पियेंगे, दूध पत्ती, लेकिन वो लोग शौक से पीते हैं। This is enjoying tea, और हाँ हमने यहाँ पे फ्री वाईफाई भी दिया हुआ है। यहाँ पे टमाटर आलू काट रहे हैं, वो बैंगन प्याज, और बाद में इनको यहाँ पे तलेंगे और यहाँ पे आएंगे पकौड़े। फॉर नाउ थिंग्स आर रियली मेस्ड अप, यानी यहाँ पर कूड़ा भी पड़ा हुआ होता है, और बहरहाल कुछ देर में एक ट्रक आएगा वो सफाई वाला और ये साफ़ कर देगा। यहाँ पर लोकली अगर आप इस कंट्री को कंसिडर करें, बहुत सख्तियों से और बहुत मुश्किल वक्त से ये मुल्क गुज़रा है, लोग इसके गुज़रे हैं, और डिक्टेटर्स बहुत सख्त किस्म के इस मुल्क पर आए, और उसके बावजूद ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग के काबिल है, विच इज़ एन अचीवमेंट इटसेल्फ। ये एक छोटा सा मैंने सोचा व्लॉग आपको बता, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि बेसिकली मैं किस एनवायरनमेंट में और कहां पर इस वक्त मौजूद हूं। थोड़ा सा पहले मैंने दिखाया था लेकिन वो रात का वक्त था, अभी फिर दोबारा शाम हो गई है, लेकिन यही टाइम थोड़ा सा मुझे मिलता है जहां पे मैं थोड़ी देर के लिए फ्री होता हूं। एंड इन केस इफ़ यू वंडरिंग, मैंने फुल फ्रेम के ऊपर टोकिना 1116 लगाया हुआ था। चलो मशी पे चलो
चलो चलो चलो चलो चलो मशी पे चलो सदाए फातिमा जहरा फजा से आती है हमें हुसैन की माँ करबला बुलाती है सदाए फातिमा जहरा फजा से आती है हमें हुसैन की माँ करबला बुलाती है चलो 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 मशी पे चलो करोड़ लोग है फिर भी करोड़ लोग है फिर भी नहीं कोई आफत ना भूखा प्यास की शिद्दत ना कोई जहमत हुसैन की माँ रोटियाँ खिलाती है हुसैन की माँ रोटियाँ खिलाती है चलो 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 मशी पे चलो सदाए फातिमा जहरा फजा से आती है हमें हुसैन की माँ करबला बुलाती